उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के ग्राम करीमगंज में डेंगू और संक्रामक रोगों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों के बाद भी करीमगंज में संक्रमण रोग एवं डेंगू से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राम करीमगंज में 18 दिन में 12 महिला व पुरुष की मौत हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्यक्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगे स्वास्थ्य कैंप के नाम पर सही उपचार नहीं दिया गया, जिसके चलते कई मरीजों को दवा खाने के एक घंटे बाद खुजली होने लगी तो कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसके बावजूद भी लोगों को कैंप में ही भर्ती किया गया। जितने भी अब तक मरीज आए हैं उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने मीडिया को अवगत कराया कि स्वास्थ्य विभाग बीमारी को दबाने का प्रयास में लगी हुई है। वहीं बताते चले कि जांच टीम के आने की भनक सुनकर मौके पर पहुंची मीडिया टीम पर ही ग्रामीण भड़क उठे। उधर स्वास्थ्य कैंप में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पपेंद्र कुमार ने बताया कि हालात अब गांव के ठीक हैं। जो भी ज्यादा सीरियस मरीज होता है उसे जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया जाता है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। गांव में जो ना इस समय कौन सी बीमारी ज्यादातर फैली हुई है और किस तरह से डॉक्टर उपचार कर रहे हैं इस कैंप के द्वारा? डेंगू की बीमारी फैली हुई है, दो दिन उपचार सही हुआ, कैंप लगा, बढ़िया दवाई मिली। आज जाने कहां से टीम आ रही है, कोई खबर आ गई है, सीएमओ साहब का आदेश आ गया है। आज एक भी मरीज को यहां दवाई नहीं दी जा रही, सारे मरीज जिला अस्पताल में भेजे जा रहे हैं। क्यों? और जब अब हमें नहीं मालूम भाई क्यों, ये प्रशासन का डंडा है। ये प्रशासन जो है केवल सीएमओ साहब को बचाने के लिए ये सब काम कर रहा है। मरीज मर रहे हैं लेकिन जो है दवाई नहीं मिलेगी, जिला अस्पताल जाइए, यहाँ किसी पे बोतल नहीं चलेगी। कल से लेके परसों आज 4 दिन हो गए, इसमें 100-100 खटिया चार पाई पड़ी थी, 100 बोतलें रोज चढ़ रही थी। और आज पूरे आप घूम के देख लीजिए, आज पूरे स्कूल में एक भी बोतल नहीं चढ़ाई जा रही है। ये बताइए क्या मतलब, क्या कर क्या कहते क्या है डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो कह देते हैं कि वो मरीज सही हो रहे हैं, और जो है डॉक्टर साहब ये तो नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर डंडा है ऊपर का। अब ड्राइवर कर रहे हैं, आगरा भेज रहे हैं जिला अस्पताल, जिला अस्पताल जाइए। और जिला अस्पताल कोई छूने वाला नहीं है, क्योंकि करीमगंज में जो है 4 से 10 केस कोरोना के निकल आए थे, वो पॉजिटिव भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है कोरोना के मारे आज भी वो छूने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर देख नहीं रहे हो? नहीं भाई, वहाँ कोई नहीं देख रहा है। जिला अस्पताल की हालत है, ये जिला अस्पताल की बात है। 10 दिन के अंदर 11 मौतें हो चुकी हैं। अच्छा, अब तक जो है, अब तक जो है यहाँ पर कितनी मौतें हो चुकी हैं? यहाँ 12-13 मौतें हो चुकी हैं 10 दिन के अंतराल। और पांडे किस गांव के रहने वाले? करीमगंज का ही रहने वाले। पांडे जी, यहाँ पर जो है कैंप लग रहा है, डॉक्टर जो है उपचार कर रहे हैं, किस तरीके का उपचार कर रहे हैं, क्या फायदा लोगों को मिल रहा है? जी, फायदा तो हो रहा है, लेकिन आज सुबह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मरीज को सीरियसली नहीं देखा जा रहा है। कितने दिनों से आपके यहाँ कैंप लगा हुआ है? लगभग 4-5 दिनों से लगा हुआ है। कौन सी बीमारी फैली हुई थी? डेंगू की बीमारी फैली हुई है। और इनकी पहले तो हमारी बाहर से जो रिपोर्टें आ रही थी उसमें भी डेंगू आ रहा था। इन लोगों का कहना था जो बाहर की रिपोर्टें हैं वो गलत आ रही हैं। तब इन्होंने अपनी जांच करना शुरू किया है तो उसमें भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं, काफी मरीज आ रहे हैं। अच्छा, तो अब तक जो ना गांव में कितनी मौतें हो चुकी हैं इस डेंगू की? अभी 10 दिन के अंतराल में करीब 12-13 मौतें हो चुकी हैं। आज यहाँ कैंप में कोई ये सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी मरीज नहीं दिखाई दे रहा है? मरीज तो आ रहे हैं लेकिन ये या तो घर भेज रहे हैं मरीजों को गोली गोली देके, या फिर जिला अस्पताल भेज रहे हैं। कारण क्या है? कारण तो ये सुना जा रहा है कि कोई टीम आ रही है बाहर से, तो उसकी वजह से यहाँ पे मरीजों को कम दिखाया जाए। क्या दबाने का मामला चल रहा है? क्या यही महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है बताइए? मैं बीमारी को दबाने की कोशिश की जा रही है, बाहर के लोगों को जानकारी कम हो, साधन को कम हो जानकारी, जिला प्रशासन पर कम दबाव बने, ये सब हो रहा है। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, ये दाने पड़े हुए हैं, किस कारण पड़े हुए हैं? दवा ले गए यहाँ से, जैसे हमारे पास रखी है। कब ले गए थे दवा? अभी एक घंटे पहले, एक खुराक खाई हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने देखा। ये क्या गर्मी के कारण है या कोई पता नहीं, जानकारी नहीं किस कारण है। रेशन खाया 8 घंटे बाद रेशन हो गया मेरे, सब पूरे शरीर में खुजली मछली दाने पड़ गई। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो ना कैंप लगाकर आप उपचार कर रहे हैं, आज अब तक जो ना 4 दिन हो गए हैं, अब क्या स्थिति है मरीजों की? स्थिति पहले तो सुधार है अभी जी। लोगों का आरोप है कि यहाँ अब भर्ती नहीं किया जा रहा है, यहाँ से केवल पैरासीटामोल देकर और दे दिया जाता, सर क्या कहेंगे? बुखार में तो हम अभी तक पढ़ाई पढ़े हैं कि पैरासीटामोल से ही बुखार उतरती है जी, बाकी अगर गांव वाले कुछ और दवाई बताएं तो उसी को लिख दिया जाएगा।
जी तो आरोप ये है कि सर यहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या नहीं, है? भर्ती अगर यहाँ पे फ्लूड चढ़ाने से सीरियस मरीज को किसी को कुछ हो जाती है तो क्या लिख के देंगे ये कि हम जिम्मेवारी लेते हैं? तो इसलिए जो जिला अस्पताल जो सीरियस है मरीज जो लग रहा है कि इनको भेजना है उनको भेजा जा रहा है, जिनको लग रही है कि यहाँ पे ठीक हो सकते हैं उनको दवाई दी जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।